क्लास थ्री लेसन नंबर टू अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। फर्स्ट वी विल स्टडी सम न्यू वर्ड्स, सम डिफिकल्ट स्पेलिंग्स। फर्स्ट शाइनिंग, SHINING शाइनिंग। सेकेंड एम्बर्स, EMBERS एम्बर्स। थर्ड कॉटेज, COTTAGE कॉटेज। फोर्थ ग्लोइंग, GLOWING ग्लोइंग। फिफ्थ पीसेस, PIECES पीसेस। सिक्स्थ स्टिरिंग, STIRRING स्टिरिंग। सेवेंथ कैप्टन, CAPTAIN कैप्टन। एट्थ गार्ड्स, GUARDS गार्ड्स। नाइन्थ सडनली, SUDDENLY सडनली। टेंथ लैंटर्न, LANTERN लैंटर्न। इलेवेंथ पॉरेज, PORRIDGE पॉरेज। ट्वेल्थ फ्रीजिंग, FREZING फ्रीजिंग। थर्टीन्थ मैसेंजर, MESSENGER मैसेंजर। फोर्टीन्थ फायर प्लेस, FIREPLACE फायर प्लेस। फिफ्टीन्थ क्वेरलिंग, QUARRELLING क्वेरलिंग। सिक्सटीन्थ नॉक्ड, KNOCKED नॉक्ड। चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट देयर मीनिंग्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक सेंटेंसेस विद देम टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। नाउ सम वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट स्टिरिंग, स्टिरिंग मीन्स मिक्सिंग। सेकेंड एम्बर्स, एम्बर्स होता है जलता हुआ कोयला, सो बर्निंग कोल। थर्ड ग्लोड मीन्स शोन ब्राइटली, चमकना। लॉन्ग्ड फॉर मीन्स इच्छा करना, विश्ड फॉर। क्वेरलिंग मीन्स लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। पैलेस फोक, पीपल हु लिव इन पैलेस आर नोन एज पैलेस फोक। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर वॉज द पैलेस एंड हाउ वॉज इट कैप्ट वॉर्म। पैलेस कहाँ था और वो कैसे गर्म रहता था। द पैलेस वॉज ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, इट वॉज कैप्ट वॉर्म बाय अ ह्यूज फायर दैट वॉज ऑलवेज बर्निंग। हमेशा एक फायर वहाँ पे जलती रहती थी जिससे वो गर्म रहता था। क्वेश्चन नंबर टू, वॉट रीजन्स डिड द पीपल गिव फॉर द फायर डाइंग आउट। फायर ख़त्म हो रही है, फायर बुझ गई है, इसके लिए लोगों ने क्या अलग अलग रीज़न दिए। सम पीपल सेड दैट द फायर डाइड आउट बिकॉज, फर्स्ट इज पीपल इन द पैलेस वर ऑलवेज क्वेरलिंग, क्योंकि वहाँ पे हमेशा लोग झगड़ते रहते थे। सेकेंड विंटर दैट ईयर वॉज वेरी कोल्ड, उस साल वहाँ पे बहुत ठंड पड़ी थी, तो ये दो रीज़न लोगों ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, वॉट डिड द लिटिल गर्ल से एंड डू वेन द मैसेंजर नॉक्ड ऑन हर डोर। जब मैसेंजर ने उसके दरवाजे पर नॉक किया था तो प्यारी सी छोटी बच्ची ने क्या जवाब दिया था। आंसर, द लिटिल गर्ल टोल्ड द मैसेंजर दैट ही कुड हैव एज मच कोल एज ही वॉन्टेड। छोटी बच्ची ने कहा था कि मैसेंजर आप जितना चाहे उतना कोल यहाँ से ले सकते हो। शी ऑफर्ड हिम टू वार्म हिमसेल्फ एंड हैव सम पॉरेज बिफोर गोइंग आउट इन द कोल्ड। उसने कहा आप अपने आप को थोड़ा गर्म कर लो और कुछ पॉरेज ले लो बाहर ठंड में जाने से पहले। मीन्स शी टॉक्ड विद हिम वेरी हम्बली। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट हैपन टू द कोल दैट द मैसेंजर टुक फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स कॉटेज। लिटिल गर्ल के घर से जो उसने कोल लिया था उसका क्या हुआ। With each step that the messenger took, the coal grew brighter. हर एक कदम के साथ वो कोल जो है वो और भी ब्राइट होता जा रहा था। It lit up the dark road as if the sun was shining and it warmed him too. उससे जिस सड़क पे वो चल रहा था उस पे भी उजियाला हो गया था और मैसेंजर को गर्मी भी मिली थी क्योंकि वो बिना किसी लालच के दिया हुआ कोल था। Who said to whom now? Go down the hill road. Who said these words? The king ordered the messenger. Second, here is some glowing coal for you. A man said to the messenger. Who will give me some coal to light the palace fire? The messenger asked the people. Fourth, you may have as much coal as you like. The little girl said to the messenger. I hope you have understood the question answers and the new words. Thank you. Have a wonderful day.